अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अभिषेक गैस चूल्हा रिपेयरिंग होम सर्विस सिवान में पहली बार फोन करके घर पर गैस चूल्हा रिपेयर करवाएं एवं साथ ही 60 दिन का वारंटी पाएं। एक बार सेवा का मौका। सिवान में बाबाए कौम अब्दुल कयूम अंसारी एवं कैप्टन अब्दुल हामिद जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें छपरा से चल कर के आए विधान परिषद के पूर्व उपसभापति सलीम परवेज ने हिस्सा लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि सिवान के बैसाखी गांव में इस जयंती को मनाई जा रही है। तमाम यहां पे प्रोफेसर महबूब अली अंसारी, उसके बाद से अली अहमद के साथ कई लोग मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जमाल जी भी मौजूद हैं। ये मनाई जा रही है जयंती जो कि सिवान के बैसाखी गांव में, और वहां पर तमाम लोग भी मौजूद हैं। सलीम परवेज ने इस मौके पर कहा कि बाबा के बताए गए रास्ते पर लोग चलें और जो हक उनके लोगों को नहीं मिल पा रहा है उनके हक को हम दिलवाने का ही काम करेंगे। आपको बताते चले कि पासमांदा समाज जो है इस जयंती के मौके पर अधिक से अधिक संख्या में शामिल हुए हैं और इस जयंती को अच्छे तरीके से मनाने का काम किया। तो आइए सुनते हैं कि इस मौके पर क्या कुछ उन लोगों ने कहा। सबसे पहले तो मैं अली हसन साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने अपने रहाइशगाह पे हम सबको इकट्ठा किया जो पसमांदा तबके के लोग हैं, और चूँकि ये प्रोग्राम राजकीय भी होता है पटना में, और कई बार हम लोगों ने इसके मेमोरियल में भी किया, गया में भी किया, सिवान में भी किया, लेकिन हम लोगों ने ये तय किया कि अब इसको हम लोग प्रखंड लेवल पर ये प्रोग्राम 1 जुलाई को मनाया जाए, ताकि गाँव के जो लोग हैं, जो यंग जनरेशन हैं, उनको पता चले कि हमारे बाबाए कौम की कुर्बानियाँ क्या हैं। और उसी के साथ साथ शहीद कैप्टन अब्दुल हमीद साहब की भी जयंती है, जिन्होंने 1965 की लड़ाई में अपनी जान की कुर्बानी दी और तकरीबन 7 पेटेंट टैंकों को उड़ाया और परमवीर चक्र का उनको तगमा मिला। तो मैं इन दोनों अजीम शख्सियत को खराज अकीदत पेश करता हूँ और एक पैगाम देना चाहता हूँ अपने समाज के लिए कि मुत्तहिद रहिए और शिक्षित रहिए। तालीमी एक ऐसी कुंजी है जो ज़िंदगी के हर मसाइल को खोलती है, और सबसे ज़्यादा तो इस बार हम लोग खुश हैं कि हमारे जो PPSC में जो रिज़ल्ट आए हैं, तो मौजूदा सरकार ने जो सपोर्ट किया इस वीकर सेक्शन के लोगों के लिए, तो मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी मुबारकबाद देता हूँ कि सारी फंडिंग, सारे अलॉटमेंट टाइम पे दिया गया, और जिससे कि पसमांदा तबका जो है आज़ादी के बाद इतने बड़े संख्या में सिस्टम के अंदर आए। और मैं ये चाहूँगा कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे पढ़ें और हर घर में कम से कम एक वकील पैदा हो, एक लीडर पैदा हो, एक सिस्टम में जाने के लिए एक इंटेलेक्चुअल पैदा हो, ताकि ये जो पसमांदा तबका है उसका उत्थान हो सके। और सरकार से भी मैं ये मांग करता हूँ कि हम लोग जितनी आबादी हमारी है उसके तनासुब से हमें हर क्षेत्र में हिस्सा मिलने चाहिए, और इस क्षेत्र में मुझे हम लोगों को मिला भी है, लेकिन जितनी आबादी है उतनी आबादी के हिसाब से हम लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिला है। और ये दुख की बात है कि इस बार हमारे बिरादरी के लोग, जैसे कि 1967 के बाद 1957 से 1967 और 72-73 तक 10-12 MLA MP होते थे, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, लेकिन ये हम लोगों के लिए एक फ्लैग, यूँ कह लीजिए कि एक फेज आया हुआ है कि इस बार हम लोगों की बिरादरी के कोई भी लोग ना तो MLA हैं, ना तो राज्यसभा में हैं, ना MP हैं। आने वाले दिनों में हम लोग चाहेंगे कि हमारी आबादी के हिसाब से हमें हक मिले और हमारे बच्चे जो है पढ़ लिख करके अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। सर, राजद और लगातार मेहनत करके इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अशरफ भाई को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, जब मैं जदयू में था तो उस वक्त भी वहाँ थे, और नौजवान है, काफ़ी काम करना है उनको, किस वजह से नहीं मिला टिकट ये तो उस पार्टी के लोग जाने, लेकिन एक अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर,
तो कहीं बात चुप हो गई होगी, लेकिन मिलना चाहिए था, अच्छे तो हैं, लेकिन अभी वक्त है उनके साथ, हम लोग भी सहानुभूति हमारी है और हम चाहेंगे कि वो अच्छा करें। देखिए हम आपको बता दें कि कोई किसी को हक देता नहीं है, हक छीनना चाहिए अपने काबिलियत के हिसाब से। हम भी चुनाव लड़े थे, दो दो लोकसभा लड़े, विधान परिषद का चुनाव लड़े, तो नहीं लड़िएगा तो कहाँ से मिलेगा, लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, अपनी आज़ादी अपने हक छीनना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग समाज में प्रखंड लेवल पे सब लोगों के पास जा रहे हैं, क्योंकि पटना में तो सब लोग करता है, राजकीय प्रोग्राम भी होता है, लेकिन प्रखंड के लोगों को बताना है कि अब्दुल कयूम अंसारी किस शख्सियत के थे, वीर अब्दुल हमीद किस शख्सियत के थे। इस वजह से ये बेदारी हम लोग की मुहिम चल रही है और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हम लोगों का फ्यूचर ब्राइट होगा, हमारे लोग जागरूक हो जाएंगे, हमें अपना हिस्सा मिलेगा और वो फिर वो 57 से 67 तक जो ज़िंदगी थी हमारे आबाव अजदाद की, जब बिहार और झारखंड एक था, जब वहाँ से जितने MP और MLA जाते थे, तो मैं समझता हूँ, मुझे उम्मीद है आने वाले नस्लें पढ़ेंगी और हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आज बाबाए कौम अब्दुल कयूम अंसारी और देश के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग में अपनी जान की बलिदान देने वाले कैप्टन अब्दुल हमीद की जयंती, दोनों की जयंती एक ही दिन है और हम लोग ये जयंती करीब 10 साल से तो मैं खुद मना रहा हूँ, आपने टाउन हॉल में देखा होगा, पत्रकार भवन में देखा होगा, लगातार हम लोग बसी मना रहे हैं और हम इनको याद करते हैं। ये हमारे समाज के सबसे बड़े लीडर के तौर पर न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत में जाने जाते हैं। कयूम अंसारी ने अपनी राजनीतिक जीवन उस वक्त शुरू किया जबकि यहाँ अंग्रेज़ों के बाद जमींदाराना राज था और उस वक्त पसमांदा समाज के लोगों को बात करना मुश्किल थी। उस ज़माने में इन्होंने लड़कर और न सिर्फ अपने जीते बल्कि अपने 5-6 साथियों को भी जिताए और उसके बाद अपना वर्चस्व कायम किए। उसके बाद लगातार आज़ादी के बाद जो सरकार बनी उस पर लगातार मंत्री रहे और कौम के लिए उन्होंने बहुत खिदमत की। शुरू शुरू में पसमांदा समाज के एजुकेशन के लिए जो कदम उठाया वो सबसे पहले बिहार में कयूम साहब ने उठाया। आप देखे होंगे हर गांव छोटे छोटे मोहल्लों में मकतब जो चलते थे ये इन्हीं के बनाए हुए हैं और आज तक चल रहे हैं और जिस क्षेत्र में भी ये मंत्री रहे इतना अच्छा काम किए कि इनको आज भी लोग एक ईमानदार वजीर की तरह नेता की तरफ याद करते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी क्या है जो मैं आपको बताऊं, जिस वक्त हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना थे और जिन्ना हिंदुस्तान में टू नेशन थ्योरी के तहत हिंदू और मुस्लिम दो राष्ट्रों में हिंदुस्तान को बांटना चाहते थे, उस वक्त जिन्ना का हिंदुस्तान में अगर कोई प्रबल विरोधी था मुसलमानों की तरफ से तो अब्दुल कयूम अंसारी थे और उन्होंने जिन्ना के टू नेशन थ्योरी को विरोध किया और कहा कि नहीं, हम हिंदुस्तान के मिट्टी में जन्म लिए हैं और हिंदुस्तान के लिए अपनी जान देंगे और हिंदुस्तान के लिए काम करेंगे और इसका नतीजा हुआ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी जो पाकिस्तान नहीं गई हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। ये कयूम साहब की देन थी। अंग्रेज़ों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हिंदुस्तान में जो सबसे पॉपुलर लीडर हैं उसमें अब्दुल कयूम अंसारी और खान अब्दुल गफ्फार खान जो सरहदी गांधी जो अफगानिस्तान में अभी चले गए, वो ये दो ऐसे लोग थे जिनका काफ़ी प्रभाव था जनता पे और यही वजह है कि आज 20 करोड़ मुसलमान जो भारत में हैं उसमें कयूम अंसारी का बहुत बड़ा अध्ययन है। बाबा कौम अब्दुल कयूम अंसारी की जयंती के मौके पे हम लोग सभी इकट्ठा हुए हैं और हम लोगों का ये मकसद है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है धीरे धीरे भूलते जा रही है, बाबा कौम अब्दुल कयूम अंसारी साहब थे कौन, तो हम उनके बारे में बताते हैं ताकि आने वाली नस्लें उसी रास्ते पर चले। और अगर सेकुलरिज्म वर्ड अगर हिंदुस्तान में है तो उसका एक बहुत बड़ा जिंदा मिसाल बाबा कौम अब्दुल कयूम अंसारी साहब हैं। आज क्या कुछ कार्यक्रम हुए? हम पसमांदा समाज के लोग जो पिछड़े हैं दबे कुचले हैं हम सभी इकट्ठा हुए हैं और आपस में आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए उनकी तालीम कैसे हो, हमें सियासी हिस्सेदारी कैसे मिली, क्योंकि तादाद हमारी सबसे ज़्यादा है,
और आज हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा है कि आज अफसोस की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तबके से मैं आता हूँ एक भी न विधायक है न MLC है न MP है। आखिर वजह क्या है, हम इतने पिछड़े क्यों हैं? तो तरह तरह की बातों पे मतलब मसले पे बात हुई है कि हम किसके साथ रहें, कैसे रहें, कौन हमारे तबके को, कौन हमारे बिरादरी को सपोर्ट करती है पार्टी, सारे मसलों पे आज बात हुई है।